जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन आज हमें देखने को मिला। मार्केट फर्स्ट हाफ में जो है वो डाउन साइड के लिए गया, देन सेकेंड हाफ में बहुत ही शानदार रिकवरी और निफ्टी डेज हाई के आसपास जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी लगभग इस लेवल के आसपास जाके जो है वो बंद हुआ है। तो किस तरीके से आप अपने को समझना है, आगे के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, कल जो मंथली एक्सपायरी है उस पर किस तरीके का हम लोगों को ट्रेड एक बार के लिए देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल पिक्चर क्या बन रही है इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इस हिसाब से अपने मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर हम लोग आज के दिन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में इस वीक की स्टार्टिंग में ही आई थिंक जब मैंने वीकेंड पे वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मैंने आपको दो सपोर्ट लेवल जो है वो डिस्कस करवाए थे और दो सपोर्ट लेवल बताए थे। पहला इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था अपना R1, जो डेली पिवट का R1 है वो एज अ सपोर्ट हमारे लिए एक्ट करना चाहिए, ये है 19625 का लेवल। दूसरा सपोर्ट लेवल था हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 EMA। ठीक है, 50 EMA जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा 50 EMA से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था एंड देन हमारी ऑल टाइम हाईज की जर्नी जो है वो कंटिन्यू हुई थी। तो इस बार भी अगर बाइंग आनी थी तो ये परफेक्ट एरिया था, और हम लोगों ने वीकेंड वीडियो पे डिस्कस किया था। और आज के दिन अगर आप देखते हैं एग्जैक्टली 50 EMA से मार्केट ने एक बहुत प्यारा बाउंस दिया। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी इसके लिए अपडेट किया था, ज़्यादा मैं अपडेट जो है वो नहीं दे पा रहा हूँ कुछ दिनों से ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, बट जितना भी होता है मैं अपडेट करने की आप लोगों को लेवल्स वगैरह कोशिश करता हूँ। ओपनिंग जब हुई थी अराउंड माइनर गैप अप हुआ था, उसके बाद मैंने बोला था अगर 630-620 का लेवल टूटता है वी कैन सी अ गुड फॉल, उसके बाद अपने को 60-70 पॉइंट का एक अच्छा फॉल मिला। तो लेवल्स वगैरह बता देता हूँ यहाँ पे मैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद बाजार ने बहुत अच्छी एक रिकवरी दी एंड उसके बाद डेज हाई के आसपास जाके बंद हुआ है, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। अब इस पर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि बाजार बढ़ा क्यों, क्या बॉन्ड यील्ड्स घट गए हैं, बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.5 के आसपास हैं, क्या डॉलर इंडेक्स घट गया है, डॉलर इंडेक्स बल्कि बढ़ा है, अगर हम देखें 106.3 के आसपास आ गया है, बहुत ऊपर डॉलर इंडेक्स चल रहा है, क्या क्रूड घट गया है, क्रूड 95 के आसपास आ गया है, तो क्रूड तो बिल्कुल भी नहीं घटा है बल्कि तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, बॉयल हो रहा है क्रूड तो इस वक्त, क्योंकि चाइना वगैरह की तरफ से कुछ नेगेटिव बातें जो है वो बोली गई हैं। प्लस एक बुरी खबर और चल रही है कि चाइना में एक्चुअली उनका जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एवर ग्रांडे वगैरह का जो इशू था वो एस्केलेट कर रहा है, और उसकी वजह से जो उनका इंडेक्स है, हाउसिंग मार्केट का इंडेक्स है, आप बोल लीजिए रियलिटी सेक्टर का जो इंडेक्स है, वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है। ठीक है, जैसा 2007-08 में अपना था ना कि रियल इस्टेट के स्टॉक्स का काफ़ी वैल्यू होता था इंडेक्स के अंदर, उसी तरीके से इस वक्त जो है वो चाइना में चल रहा है कि रियल इस्टेट के स्टॉक्स का काफ़ी वैल्यू है उनके इंडेक्स के अंदर, उनके मार्केट के अंदर। तो इस वजह से अगर रियल इस्टेट के स्टॉक्स में दिक्कत आएगी तो ओवरऑल इकोनॉमी एंड उनके मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है, और ये इश्यू चल रहा है। बट जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे मंथली एक्सपायरी वाले बहुत ही अलग होते हैं। आपको ग्लोबल कुछ भी पिक्चर दिख रही हो, आपको जो है ग्लोबली बहुत तेज़ी दिखाई जा सकती है, आपको ग्लोबली जो है बहुत मंदी दिखाई जा सकती है, बट जो पोजीशंस बनी होती है ना उस हिसाब से मार्केट चलता है मंथली एक्सपायरी वाले वीक में और मंथली एक्सपायरी वाले स्पेशली लास्ट टू डेज में, और यही आज हमें देखने को मिला। डाउ कल 400 पॉइंट गिरा, कोई फ़र्क नहीं भाई, हमारा बाज़ार 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है आज के दिन, इवन आफ्टर अ फॉल ऑफ लाइक लिटरली 100-120 पॉइंट्स। तो इस चीज़ को अब हमें कल किस तरीके से प्ले करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे।
एक चीज़ अपने को थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या किया बाजार ने, यहाँ पे एक बेस था, ठीक है, ये बेस था हमारा 620 का। इस 620 के बेस को इसने वॉयलेट किया, एक फेक ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद बाजार ने वापस से रिकवरी कर दी और बहुत शार्पली जाके डेज हाई के आसपास बंद हुआ। अब एक लेवल जो आपको ध्यान में रखना है, जो लास्ट वीक भी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, 19,800, ठीक है, 19,800 आपके लिए एक बहुत बड़ा बड़ा लेवल है, क्योंकि अगर हम 19,800 के ऊपर आ जाते हैं, निकलते हैं कल, चाहे गैप अप के थ्रू हो, चाहे यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए उस वजह से हो, किसी भी रीज़न से हो, 19,800 के ऊपर सस्टेन करना कल बहुत ज़रूरी है। अगर हम 19,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं, वी कैन सी फायरवर्क्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की साइड का एक्सपायरी पे हमें देखने को मिल सकता है। और मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स आज गिरा नहीं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इंडिया विक्स अगर डल हो जाता ना सेकेंड हाफ में ये मार्केट बढ़ने की वजह से, तो मोमेंट की उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। बट 11:30 के आसपास इंडिया विक्स है, उतना भी अच्छा नहीं है बट बेटर देन 10:30 है, तो मेरे लिए एक अच्छी साइन है कि अगर 19,800 के ऊपर कल बाजार निकलता है, हम लोगों को फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में ऊपर की साइड का मोमेंटम काफ़ी अच्छा हमें मिल सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने भी वही किया जो दो दिन से मैंने जोन आप लोग के लिए बनाए हुए थे, जोन को ब्रेकडाउन किया, बिल्कुल जोन के लोएस्ट पॉइंट पे गया और वहाँ से जो है वो बाउंस दे दिया और वापस जो है रेंज में आ गया, ठीक है। तो अब हमारे लिए लोज तो डिफाइन हो गए, लोज डिफाइन क्या हो गए कि देखो जब भी मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाता अनटिल और अनलेस ग्लोबली कोई पैनिक सिचुएशन हो, ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि बाजार को अगर करेक्शन भी लेना है, मान लीजिए ये बाजार जो है ऊपर जा रहा है करेक्ट होने के लिए, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा ऊपर गया सीधा नीचे आ गया, अनटिल और अनलेस कोई ग्लोबली पैनिक सिचुएशन हो रही हो। तो यहाँ से अगर एक बार के लिए नीचे आया है, एक पुलबैक बनता था, वो पुलबैक हो सकता है 20,000 की तरफ दोबारा हो, यहाँ से रिजेक्शन लेकर दोबारा भी नीचे आए, तो उसको हम उस तरीके से देखेंगे। बट ज़बरदस्ती जो है वो शॉर्ट करना, कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार संजीत भाई वाई यू ऑलवेज बुलिश, यार ज़बरदस्ती गलत लेवल पर शॉर्ट करना भी तो गलत है ना, यहाँ पर अपने को सपोर्ट दिख रहे थे तो उस हिसाब से हमने देखा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग को अब नज़र रखनी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो बहुत अच्छा बना हुआ है अभी के लिए। 15 मिनट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि अगर कल बैंक निफ्टी 44,750 के ऊपर निकलता है तो 45,000 तक की जगह बैंक निफ्टी में भी खुल जाती है, इसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है। ऑनेस्टली मैं आईटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस एंड आईटी जो है वो निफ्टी को पुशअप करने की प्रोबेबिलिटी उनकी दिख रही है, सेटअप वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो रादर देन बैंक्स, अगर आपको लॉन्ग्स पे फोकस करना है, फोकस ऑन निफ्टी, तो ये मेरा व्यू होगा कल के लिए। बाकी पुट कॉल रेशियो वाइज अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 का है, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन नहीं है। बैंक निफ्टी का 0.81 है, न्यूट्रल है, तो मार्केट हल्के हैं, चांसेस हैं अगर गैप अप होता है तो अच्छी खासी रैली कल के दिन बन सकती है। अगर ग्लोबली पिक्चर ख़राब होती है, रात को डाउ फिर से 400 गिर जाता है, देन विल सी द डिफरेंट लेवल्स, बट वो लेवल्स मैं आपको सुबह अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर डाउ में कुछ दिक्कत होती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।